बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और रात को मैं आ गई थी अपने सिस्टर के घर, जहाँ पे आज हम लोग जा रहे हैं अपने भांजे की कन्वोकेशन पे। और उसने माशाल्लाह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, तो आज ये उसकी सेरेमनी थी। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आप भी आ जाओ, तो चले इस यादगार से खूबसूरत से इवेंट को हम मिल के यादगार बनाते हैं। तो आज हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी बस हम लोग कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे और यहाँ पे पार्किंग ढूंढ रहे। और यहाँ पे हम लोग हॉल में एंटर हो रहे थे, तो हर तरफ माशाल्लाह सब बच्चे नज़र आ रहे थे और बहुत दिल खुश हो रहा था कि माँ बाप कितने ही मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर कितने ही दिनों के बाद, कितने ही सालों की मेहनत और रियाजत के बाद माँ बाप को ये टाइम नसीब होता है कि अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें और उनके बच्चे किसी तरह काबिल हो सके। तो ये एक बहुत ही माँ बाप के लिए, तो बहुत ही पेरेंट्स के लिए बहुत एक यादगार और ख़ूबसूरत दिन होता है। तो मेरी भी बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को कामयाब करे और सब के माँ बाप को ये खुशियाँ देखने नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे आगे और सब बच्चे अपने अपनी अनाउंसमेंट पे यहाँ पे अपनी डिग्री रिसीव कर रहे थे और बहुत प्राउड फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था अपने भांजे के लिए भी। और माशाल्लाह जितने भी बच्चे यहाँ पे सब आए थे, सब के लिए दुआ दिल से निकल रही थी कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे भांजे की अनाउंसमेंट हुई और अभी यहाँ पर ये अपनी डिग्री रिसीव कर रहा है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो बस इसके सेरेमनी के बाद खाने का अरेंजमेंट था बाहर और ओपन एयर में, तो यहाँ पे सब ने खाना खाया और बहुत अच्छी धूप थी, सर्दियों की खूबसूरत सा दिन था और बड़ा मज़ा आया। तो बस और खाना शाना खाने के बाद हम लोग कन्वेंशन सेंटर से जब बाहर आए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी संतरे का जूस वाला था, वहाँ से हमने फ्रेश संतरे का जूस लिया और बहुत इंजॉय किया। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।